जी साबुत लाल मिर्च की चटनी भाई अपने देसी गांव में हरियाणा में बहुत ज्यादा खावे हैं, साबुत लाल मिर्च की चटनी और लहसुन की। तो ये देखो मैंने 3 पोथी लहसुन ली है, नमक है, साबुत मिर्च है लाल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टमाटर छील के कट कराया है। तो अब बनावेंगे भाई चटनी और देखते रहियो, एक नंबर की बने है, जरूर बनेगी भाई साबुत लाल मिर्च की चटनी की न्यू रेसिपी। तो भाई देखो सबसे पहले थोड़ा सा डाल लेंगे पानी, ऊपर कर भाई आप सभी की डिमांड के ऊपर लेके आई हूँ मैं ये वीडियो, लाल मिर्च साबुत की चटनी लहसुन की। और ये देखो भाई आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब तक ये बीज और जो ये अच्छे से नहीं बारीक हो जाओ ना, इतने इसको बारीक रगड़ते जाना है जितना आपसे जोर लगे हाथ पे, मतलब बिल्कुल। और पत्थर पे भी बना सकते हो आप, ये कुंडी में भी बना सकते हो, पत्थर आसानी से मिल जाए भाई आजकल बाजार में आप कहीं ले आओ। और अब डाल दी है मैंने टमाटर, छील के रखे थे मैंने ये टमाटर है, इनको मैंने छील दिया था पहले ही, क्योंकि बगैर छील ले तो क्या होता है जो छिलका होता है ना फिर वो नहीं पिसेगा, इसलिए आप छील के ही टमाटर को डालें ताकि जो छिलका है वो आराम से पिस जाएगा भाई। तो भाई लहसुन साबुत लाल मिर्च नमक और टमाटर की एक नंबर की रेसिपी है, ये न्यू रेसिपी है टमाटर की चटनी साबुत लाल मिर्च की चटनी भाई, ज़रूर ट्राई करियो। आप कुंडी सोटे में भी बना सको हो और इसने पत्थर पर भी बना सको हो, तो भाई पत्थर पर बनाओगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, ज़रूर ट्राई करियो भाई एक बार। तो भाई देख लो कति एक नंबर की चटनी बन गई है बारीक, और ये देखो देखो